संबल में एक दरिंदे ने पड़ोस में रहने वाली युवती से दुष्कर्म किया है। परिजनों के विरोध के बाद मार पिटाई हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर युवती का मेडिकल कराया है। वहीं आरोपी फरार हो गया है। घर से युवती को जबरन अपनी छत पर ले जाकर रेप की वारदात संबल कोतवाली के एक गांव की है, जहां मोहम्मद केश नाम के युवक ने युवती को अपना हवस का शिकार बना डाला। युवती के परिजनों ने जब दुष्कर्मी का विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने मारपिटाई की। मारपिटाई में कई लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने जहां रेपिस्ट समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज किया है, वहीं युवती पक्ष के खिलाफ भी मारपिटाई का केस किया गया है। पूरे मामले का गंभीर पहलू यह है कि रेप और मारपिटाई से डरे सहमे पीड़िता के भाई ने अब रेपिस्ट से ही अपनी बहन के निकाह की गुहार की है। इस मामले में संबल सीओ ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं केस के बावजूद उन्होंने मामले को प्रेम प्रसंग बता दिया। नाम आपका? आरिफ। कहाँ के रहने वाले हो? मोहम्मदपुर टांडा। थाना? थाना संबल। जी, क्या हुआ है जो तुम यहाँ सरकारी अस्पताल आए हो? क्या मामला? बलात्कार का केस है, मेडिकल के लिए आए हो। किसने किया है केस? मोहम्मद। वो कहाँ का रहने वाला है? मोहम्मदपुर टांडा। गांव का ही है? हाँ, गांव का ही है। तो क्या पुलिस को शिकायत की है? अभी नहीं की है शिकायत। तो क्या हुआ है, पुलिस ने क्या किया अभी? तहरीर दी है पुलिस, अभी मुकदमा दर्ज नहीं करा है पुलिस। मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने? मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने, मेडिकल हो रहा है। बलात्कार किसके साथ हुआ है? हमारी बहन के। तो पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज करने के बाद आपको सरकारी अस्पताल भेजा मेडिकल के लिए? जी। तो वो जिसने इस घटना को अंजाम दिया वो कहाँ है? वो भाग गया, फरार है। फरार हो गया है जी। पुलिस से क्या मांग करते हैं? पुलिस से मांग करते हैं वो लड़का मिल जाए और हम उसके साथ निकाह कर लेंगे, यही मांग है हमारी। आज प्रातः थाना कोतवाली संभल पर गांव मोहम्मदपुर टांडा निवासी एक युवती द्वारा अपने ही गांव के अपने पड़ोसी व सहजातीय युवक मोहम्मद कैश पुत्र आविद के विरुद्ध अपने साथ बलात्कार किए जाने के संबंध में एक तहरीर दाखिल की है। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली संभल पर अपराध संख्या 313/2021, धारा 376, 504 और 506 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रारंभिक विवेचना में दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग का भी मामला संज्ञान में आया है। गहराई से विस्तृत रूप से विवेचना की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है तथा अभियुक्त मोहम्मद कैश की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित करते हुए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र गिरफ्तार कर जैसे तथ्य विवेचना में आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।